थाना राया क्षेत्र के गांव सूरज में एक 6 वर्षीय बालक कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये बालक अपने पूर्व जन्म की बातें बताकर लोगों को चकित कर रहा है। थाना राया क्षेत्र के गांव सूरज में उस समय कौतूहल मच गया जब 6 वर्ष का बच्चा वहां अपने माता पिता के साथ पहुंचा और पुनर्जन्म की बातें बताने लगा। बालक का नाम माधव है, जो कि अर्जुन नगर आगरा निवासी देवेश लवानिया का पुत्र है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2012 में गांव सूरज के रहने वाले रविंद्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना के एक वर्ष बाद जनवरी 2013 में आगरा में माधव का जन्म हुआ। जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती गई, तो बालक को पिछले जन्म की याददाश्त आने लगी। बच्चे की जिद पर उसके पिता उसे वहां लेकर पहुंचे तो लोग अचंभे में रह गए, क्योंकि बच्चे ने सभी को पहचान लिया। क्या नाम है आपका? जी शिवा चौधरी। शिवा, कहाँ के रहने वाले हो? जी गांव सूरज। आपकी गोदी में अभी बच्चा लग रहा था, कौन है वो, क्या पर? जी ये आगरा के रहने वाले हैं। जी ये इनके पिताजी का नाम है देवेश लवानी, इनके पिताजी का नाम है। ये जी पुनर्जन्म का वो है, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं रविंद्र सिंह। अच्छा। जी इन्होंने दुकान वगैरह ये पहचानी है, अपनी बेटी को पहचाना है। तो कैसे मानना है आपका कि ये वही है? जी कुछ बातें मिलती हैं। अच्छा, उनसे पहले कुछ बताया है आपको इन्होंने? जी इन्होंने तो अभी नहीं बताया, पर हमारी जो बात क्या है, क्या पहचान रहे हैं, क्या है, आपने कैसे इनको पहचाना कि बच्ची को पहचाना है इन्होंने अपनी? अच्छा, इनकी लड़की है। अच्छा, 14 साल की लड़की है। अच्छा, उसका नाम है प्रिय, उसको पहचान रहे हैं? उससे बोला आप बहुत बड़े हुए। अच्छा अच्छा, तो आपका मानना यही है कि आपके भाई यही हैं? जी जी जी। भाई साहब बताएं क्या नाम है आपका, आप बताएं। मेरा नाम देवेश लवानी है। देवेश जी कहाँ रहते हो? मैं आगरा अर्जुन नगर। अच्छा, तो ये बताइए बच्चे को आप यहाँ लेके आए हो, क्या है ये पूरा मामला? ये बेटा मेरे जब 3 साल का था जी, तो माँ से जैसे कभी इसका मनमुटाव हो जाता था, जैसे डांट देती थी जी, तो अक्सर ये कहता था कि तुम गंदी हो, मेरी अच्छी माँ राया में जी, और मैं राया चला जाऊँगा जी। तो उसने हमसे कहा जी, हम लोग देखेंगे जी, वैसे ही देता होगा अपना। उसके बाद में जो है एक बार मैंने इससे पूछा, मैंने राया में क्या है तेरा, बोले राया का मैं रहने वाला हूँ, मेरी 3 दुकानें हैं राया में। तो मैं और मेरे पापा जो है एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे जी, तो मैंने इस घटना की पुष्टि करना चाहा जी, मथुरा में 2-3 लोगों से बोला जी, यहाँ भी जो आपके कस्बे में हीरो की एजेंसी है उनसे बोला जी, उन्होंने बताया, उन्होंने जो है अपने गार्ड से कहा, गार्ड आप ही गाँव का है जी, उसने इनको बताया जी, जे लोग पहुँचे मेरी बातचीत हुई तो वो घटना की हो गई पुष्टि ठीक। तो मैं इसे आज चुपचाप लेकर के आया बिना इन्हें बताए ठीक, मैं इसे लेकर गया, मैं राया में अपनी दुकान मुझे दिखा दे, इसने प्रॉपर दुकानों पर ले जाके मुझे खड़ा कर दिया। इसने? इसने, बच्चे ने? बच्चे ने ठीक। फिर मुझसे बोला मैंने आपको अपनी दुकान दिखा दी है, अब घर चलो, किसी से यहाँ कुछ पूछताछ नहीं करोगे। अच्छा। मैंने अपनी गाड़ी में इसे बैठा दिया, वहाँ पूछा, बात कन्फर्म हुई। उसके बाद मैं इसे गांव में लेके आया, तो बाहर गांव के बाहर जो इंटर कॉलेज है ठीक, तो वहाँ इसने मना किया अंदर आने के लिए ठीक, बोले नहीं मुझे नहीं जाना ठीक, वापस आगरा चलो। रोने लगा तो हम लोग लौट के फिर आगरा की तरफ चलने लगे। मैंने शिवा को फ़ोन किया, बोला क्यों रुके हो? मैंने कहा भाई मेरा दोस्त है यहाँ पर ठीक, उससे मिल लेते हैं ठीक। शिवा आया, शिवा को देख के शर्माने लगा ठीक, उसने शिवा को पहचान लिया ठीक, चले मुस्कराए थे। उसके बाद में मैंने कहा भाई ये कह रहा है घर पे चलो चाय पी ले, बोला ठीक है चलते हैं ठीक। फिर घर तक आ गए। ये क्या मानना है आपका, क्या लग रहा है? मानना है क्या आज तो साहब, जब ये पुनर्जन्म तो होता ही, हम लोगों की हिंदू संस्कृति में पुनर्जन्म तो जो कई प्रमाण पुरानी बातें हैं वो बच्चा बिल्कुल अपने दिन बता रहा है आपको जी।